नमस्कार, आदाब। समाचारों के साथ मैं हूं नमानी बनीवालू। 15 पैसेंजर्स आज सुबह बाल बाल बचे जब जिस बस में वे सफर कर रहे थे उसमें आग लग गई। बस में आग लगी थी लंगेरे ब्रिज नसीनू के पास और 3 सप्ताह के अंदर इस तरह की दूसरी घटना घटी। बस ड्राइवर रितेश कुमार दावा कर रहा है कि आग ई टिकटिंग कंसोल से शुरू हुई, लेकिन वोडाफोन मार्केटिंग मैनेजर शैलेन प्रसाद का कहना है कि बस में ई टिकटिंग मशीन नहीं थी। फिलहाल नशे से बस कंपनी लिमिटेड के मैनेजर अमित चंद ने बताया कि बस में मशीन्स भले ही नहीं थी लेकिन कंसोल के लिए वायरिंग्स किए गए थे जिसमें से शायद आग शुरू हुई थी। 290 मिलियन डॉलर्स लागत कैसीनो प्रोजेक्ट के डेवलपर्स अगले साल अक्टूबर तक काम समाप्त करने की आशा कर रहे हैं। 100 सेंस लिमिटेड इस डिले के लिए हर महीने सरकार को 100,000 यूएस डॉलर्स फाइन भरने के लिए तैयार है और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कैसीनो पर काम पूरा नहीं किया गया हो। प्रोजेक्ट में काम काफी पीछे है जबकि इसी अक्टूबर तक समाप्त करने की आशा की गई थी। इंग्लैंड बेस्ड कंपनी कैम्ब्रियन क्लॉक को सुबह स्थित गवर्नमेंट बिल्डिंग की सबसे पुरानी घड़ी पर मरम्मत कार्य के लिए हाया किया गया है। ये वही कंपनी है जिससे फिजी ने 1938 में यह घड़ी खरीदी थी। यह घड़ी काफी दिनों से नहीं चल रही है। हालांकि चीफ जस्टिस एंथनी गेट्स ने आज सुबह पुष्टि की कि घड़ी को बनाने की कोशिश जारी है। खेलकूद में नवीनतम फीफा रैंकिंग्स में फिजीसो का टीम 207 देशों में से 191 स्थान पर है। फिजी के इंटरनेशनल मैचेस में भाग लेने की कमी रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण बताया गया है। यहां तक कि टोंगा और सामोआ फिजी से भी आगे हैं। न्यूजीलैंड तो रीजनल देशों में सबसे आगे हैं और स्पेन, जर्मनी तथा कोलंबिया टॉप 3 स्थानों पर शामिल हैं। और ये थे आज के समाचार। सोमवार को फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़।